नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पेंटिंग्स, कि हमें घर पे, ऑफिस में किस तरीके की पेंटिंग्स का यूज़ करना चाहिए। ये जनरली क्वेश्चन मेरे क्लाइंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा आता है। तो हमें ऐसी पेंटिंग्स लगानी चाहिए जिनसे हमारी पॉजिटिविटी बढ़े घर की या ऑफिस की, और ऐसी पेंटिंग्स जिसको देख के बहुत नेगेटिविटी आए या नकारात्मक ऊर्जा को जो बढ़ाए, उन पेंटिंग्स को हमें यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कौन सी पेंटिंग्स है जिनसे पॉजिटिविटी बढ़ती है और ऐसी कौन सी पेंटिंग्स है जिनसे नेगेटिविटी घटती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिनको देख के नेगेटिविटी आती है। जैसे कोई आपस में फाइटिंग करते हुए अगर आप चित्र लगाएंगे घर में, तो उससे नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा होती हैं। आते जाते जब भी आप वहां से निकलेंगे तो आपको लगेगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी पिक्चर्स को लेता रहता है और आपको लगेगा कि समथिंग इज रॉन्ग। सो इस तरीके की फाइटिंग वाली पिक्चर्स, फाइटिंग वाली पेंटिंग्स का आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। पॉजिटिव पेंटिंग्स क्या हैं? जैसे कि हम बुद्धा की पिक्चर लगाते हैं घर पे, या कोई हमारे बच्चों ने पेंटिंग करी हुई हैं जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर उनकी इवन पेंटिंग्स हैं, जिसमें फ्लावर्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, वो आप लगा सकते हैं। कई बार अब मैं जो बात करूंगी वो मैं ऐसे बात करूंगी कि डायरेक्शन वाइज जो हमारी 9 डायरेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सी पेंटिंग्स है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हम जो पेंटिंग्स लगाते हैं, हैवी टाइप की पेंटिंग्स लगाते हैं, जैसे माउंटेन्स कवर्ड पेंटिंग्स आप लगा सकते हो, जिस पे स्नो दिख रही हो, तो ऐसी पेंटिंग्स आप लगा सकते हो। वहाँ पे हम वाटर एलिमेंट नहीं लेते, तो इस तरीके की पेंटिंग्स आप साउथ वेस्ट में यूज़ करें। जैसे वेस्ट है तो वेस्ट में आप कैसी पेंटिंग्स ले सकते हैं, जैसे कि हॉर्सेस हैं, 7 हॉर्सेस हैं, 5 हॉर्सेस हैं, पर ये पेंटिंग्स हम कमर्शियल प्लेसेस पे यूज़ करते हैं, रेजिडेंशियल में हम अवॉइड करते हैं। तो वेस्ट में हम जो पेंटिंग्स ले सकते हैं जिसमें वाइट कलर हो, सिल्वर कलर हो, सॉलिड बिल्डिंग्स की पिक्चर हो, ऐसी हम वेस्ट डायरेक्शन में ले सकते हैं। फिर हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप जितनी भी लैंडस्केप्स हैं, इवन छोटे लैंडस्केप, बहुत हैवी वाले हम नहीं लेंगे, जैसे कि फूल हैं, फ्लावर्स हैं, इवन यू नो दैट आपके ट्रीज हैं, ऐसी पिक्चर्स आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ले सकते हो। इवन लव बर्ड्स की पेंटिंग्स पिक्चर्स आप वहाँ पे लगा सकते हो। फिर हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में जो हम लगाते हैं वहाँ पे हम कुबेर की इन एनी फॉर्म जो यंत्र की पेंटिंग्स आप अगर लगाते हैं, उससे करियर में बड़ी ग्रोथ होती है, उससे अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है, वो आप नॉर्थ साइड डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप पेंटिंग्स लगा सकते हैं, जैसे गणेश जी की पेंटिंग है, सिंबल्स की पेंटिंग है, विष्णु जी की पेंटिंग है, लक्ष्मी जी की पेंटिंग है, या फिर हम पेंटिंग्स लगा सकते हैं जिसमें बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स ना हो, ऐसी छोटी पेंटिंग्स आप क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पे लगा सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन, जो कि हमारी ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट में हम अगर वहाँ पे आप सन की कोई पेंटिंग लगाएं तो वो आपके सोशल सर्कल को बहुत बढ़ाता है, जहाँ पे आपको सोशल सर्कल से बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो सन की पेंटिंग आप ईस्ट एनी फॉर्म में वहाँ पे लगा सकते हो, चाहे वो आपके बच्चों ने क्रिएट करी हो या आपको बाय करनी है, तो आप ईस्ट में वो पेंटिंग्स लगा सकते हो। निकलते हुए सन की पेंटिंग आप लगा सकते हो, इवन नेचर की पेंटिंग आप ईस्ट में क्रिएट कर सकते हो, कोई खुलता हुआ दरवाज़ा, खुलती हुई विंडो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और हेल्प करती है सोशली। साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम ऑरेंज या सिल्वर की कलर के शेड्स की पेंटिंग लगा सकते हैं। वहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स हों उसमें हम कैंडल्स की पेंटिंग भी ले सकते हैं, उसमें हम फायर से मिलती हुई पेंटिंग भी ले सकते हैं, और वहाँ पे इवन दैट मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी जहाँ पे दोनों मिलते हों, ऐसी पेंटिंग्स भी आप लगा सकते हैं, तो उससे साउथ ईस्ट की एनर्जी बढ़ती है। अब हम चलते हैं साउथ डायरेक्शन की ओर। साउथ डायरेक्शन में हम रेड कलर को बढ़ाना चाहेंगे, वहाँ पे जो भी आप पेंटिंग ले रेड कलर वहाँ पे हो,
और उसके साथ सॉलिड अगेन, जैसे कि आपकी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग जो हम ले सकते हैं वो हम साउथ की तरफ ले सकते हैं, वहाँ पे फूल पत्तियाँ ये सब वाली पेंटिंग्स नहीं चलती। सॉलिड कुछ स्टोन से मिलती हुई पेंटिंग है बट उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव एलिमेंट हो तो आप साउथ की तरफ लगा सकते हैं। अगर आप बचता है सेंटर ऑफ द हाउस, अगर सेंटर है आपके हाउस में और वहाँ पे कोई पेंटिंग लगाने का स्पेस बचता है तो वहाँ पे प्लीज़ मिरर अवॉइड करें। और सेंटर में अगर आपको पेंटिंग लगानी है तो उसमें जनरली वाइट, ऑफ वाइट ऐसे कलर्स अगर पेंटिंग में हो तो वो लें। उसके साथ साथ अगर आपको कोई एनिमल्स वहाँ, एनिमल से रिलेटेड पेंटिंग आप वहाँ पे लगा सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आप ये पेंटिंग्स लगाते हैं ये आपकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस को बढ़ाएगा और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि ये पेंटिंग हमने कहीं गलत तो नहीं लगा ली। सो प्लीज़ फॉलो दीज टिप्स एंड आई एम श्योर यू विल इन्जॉय दीज टिप्स। थैंक यू।